ठीक है, बिस्मिल्लाह, तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह ज़रा बुखारी बुखारी का नुस्खा ज़रा लेके आओ ना। ज़रा कढो किताब इकरा कर दो। तो मैं दिखाओ मैं निकला है किताब बिल्कुल नहीं निकलिया, किताब रिकाक। चलो जी बस ठीक है इंशाल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم किताब उल इकराह का जो तर्जमतुल बाब है जिसे मुतर्जम बिही भी कहा जाता है, उस तर्जमतुल बाब में इमाम बुखारी ने सबसे पहले तो कुरान मजीद की चंद आयात जिनके अंदर जो है वो कुछ लोगों की कमज़ोरी और दीगर लोगों की
क़ुव्वत और इख्तियारात इसका ज़िक्र करते हुए ये एहसास दिलाया है कि कमज़ोर आदमी की जो मजबूरियां होती हैं उनकी बड़ी अहमियत है। लेकिन उसके बारे में जो बड़ी बात है वो ये है कि उसकी मजबूरियां वाकई बड़ी अहमियत रखती हैं, लेकिन मुसलमानों का काम ये है कि वो अपने रब्बुल आलमीन को राज़ी रखने के लिए उन कमज़ोरियों पर जो है वो काबू पाएँ और उनके ऊपर जो ज़ुल्म व सतम हो रहा है इसके लिए वो दुआ करें, यानी अल्लाह ताला के दीन की हिदायत के साथ जो है वो दुआ की बड़ी अहमियत है। ख़ुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जिस अंदाज़ से इस किताब को सेट किया है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो काम अपनी तरफ से करते थे और उसके साथ वो अहादीस भी जो इमाम बुखारी के लिए जो है वो इस इतबार से अहमियत रखती थी कि इमाम बुखारी जो है वो उन अहादीस को बतौर दलील के पेश करते हैं। जहाँ तक तर्जमतुल बाब है उसके अंदर तो कुछ पहलुओं की तरफ इशारा होता है ताकि बाब के वो पहलू जो हैं वो हमारे सामने आ जाएं जो लोगों की नज़र में वाज़े नहीं हैं। तो इसलिए इमाम बुखारी का जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि इमाम बुखारी जो हैं वो कोई हदीस अगर पेश करते हैं तो उससे पहले जो अबवाब होते हैं उन अबवाब में वो तमाम पहलू जो हैं वो पेश करते हैं ताकि हदीस जो आगे आ रही है जो बाकायदा इमाम बुखारी की रवायत यानी सनद के साथ है और उसका मेयार भी इमाम बुखारी के मेयार के मुताबिक है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो तर्जमतुल बाब में आती हैं उनका मेयार जो है वो इमाम बुखारी की शुरूत के मुताबिक मेयार नहीं होता, इसलिए उनको मुअल्लक भी ज़िक्र करते हैं और वहाँ कुरान मजीद की आयतों को एक बुनियाद के तौर पर भी ज़िक्र किया जाता है। और इसी तरह जो है वो बाज़ पहलू जो इमाम बुखारी जो हैं वो वाज़े करना चाहते हैं वहाँ उनका बयान हो जाता है। इसलिए ये काम तो इमाम बुखारी का है कि बारीक से बारीक पहलू जो हैं वो इमाम बुखारी वाज़े करते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि किसी शख्स का इतना ज़बरदस्त हाफ़िज़ा हो और उसके साथ साथ उसकी जो नज़र है वो भी बहुत बारीक हो। बारीक बीनी जो है ये आम तौर पर उन लोगों में कम होती है जिनकी याददाश्त अच्छी हो, लेकिन ये दोनों चीज़ें जिनको मिलती हैं फिर वो दुनिया के अंदर जो है वो एक मुकाम हासिल करते हैं। जबकि वो इससे फ़ायदा उठाएं इमाम बुखारी ने अपनी बारीक बीनी जो है वो भी पेश की है और साथ ही इमाम बुखारी ने जो दलाइल हैं उनको बहुत आला मेयार पर पेश किया है। हत्ता कि आज हमारे सामने जो है वो इमाम मुस्लिम की जो है वो सही मुस्लिम वो भी मुताले में आती है, लेकिन ये आप समझ लें कि सही मुस्लिम का अंदाज़ जो है वो ये है कि जब एक रिवायत पेश करते हैं तो उसी मौजू पर जो दीगर रवायात होती हैं वो भी पेश करते हैं। तो इस तरह से होता ये है कि एक हदीस और दीगर उसी मौजू की अहादीस जो हैं वो जब इकट्ठी हो जाती हैं तो उससे जो है वो मसला निकालना जो है वो आसान होता है। बल्कि इमाम मुस्लिम ने जो है वो अपनी किताब में जो है वो अबवाब भी नहीं बांधे, इमाम मुस्लिम ने सिर्फ अहादीस को इकट्ठा किया है और उसके बाद जो ये तबवीब का जो काम है वो इमाम नववी ने जो है जब मुस्लिम की शरह की है तो उस वक़्त उन्होंने तबवीब का काम किया है। तो इसलिए बाज़ लोग मुग़ालता खाते हैं, कहते हैं जी सही मुस्लिम में ये बाब जो है वो बांधा गया है, और अगर इमाम मुस्लिम जो हैं उनकी तरफ निस्बत की जाए तो मैं आपको बता दूं कि इमाम मुस्लिम की जो है वो सही उनके अंदर अबवाब है ही नहीं। तो इसलिए इमाम मुस्लिम ने
ये काम किया है कि अहादीस जो उस मौजू की थी उनको इकट्ठा कर दिया है। हाँ, अगर कोई मसला बहुत ही अहम हो तो उस वक़्त फिर वो कोई ना कोई गुफ्तगू भी करते हैं, जैसे कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तिहाजा औरतों की एक बीमारी है जिसके अंदर जो औरतों को खून आता है उसके या तो दिन बढ़ जाते हैं या वो खून की जो मकदार है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए खून की मकदार का ज़्यादा होना जो है, और ये किसी औरत के इख्तियार में नहीं होता, तो इसको बीमारी कहा जाता है। और चूँकि सही बुखारी के अंदर जो है वो अंदाज़ ये इख्तियार किया गया है कि जो औरत जो है वो इस बीमारी का शिकार हो वो बेहतर ये है कि गुसल करे और दो नमाज़ें इकट्ठी कर ले। तो गुसल करके दो नमाज़ों को इकट्ठी करने का जो है वो उसे तरीका बयान किया गया है, बेहतरीन तरीका। और उसके बाद एक इबारत है कि तवज़ई लिकुल सलात, कि जब दो नमाज़ों को इकट्ठा किया जाए गुसल करके तो उस वक़्त जो है वो हर नमाज के लिए अलग वज़ू भी करे। क्या मतलब कि दो नमाज़ें जो पढ़नी हैं उनमें से एक नमाज जो है वो ख़त्म हो गई तो दूसरी नमाज जो है पढ़ने के लिए जो है वो पहले वज़ू करे फिर उसके बाद दूसरी नमाज़ पढ़े। इमाम मुस्लिम ने जो सूरत हाल उनके सामने है वो ये है कि वो कहते नहीं, एक गुसल हो गया तो उसके बाद जितनी नमाज़ पढ़नी है वो पढ़ ले, दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने अपनी सही मुस्लिम में ये इशारा किया है कि उन्होंने ये टुकड़ा जो है उसको रवायत नहीं किया, मुतवज़ई लिकुल सलात को वो इसलिए रवायत नहीं किया कि वाशारा मुस्लिमुन इला अन्नहु हज़फ़ हा अमदन। इमाम मुस्लिम ने इशारा कर दिया है कि उन्होंने इतने टुकड़े को जो है वो अमदन छोड़ दिया है। उसकी वजह असल में ये है कि वो खातून जो अपना इलाज करती थी, असल में ये जो है ना इस्तिहादा, इसके अंदर चूँकि खून आता है और आपको पता है कि खून को रोकने के लिए जो है वो पानी की एक अहमियत है, ख़ाब वो ऊपर से बहाया जाए, जैसे कि नकसीर होती है तो आम तौर पर जो है सर पर पानी डाला जाता है और नकसीर का जो खून है वो रुक जाता है। इसी तरह जो है ये इस्तिहाजा में अगर पानी को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो खून रुक जाता है। ये जो नबी अकरम ने तरीक़ेकार बताया है ये हकीकत में ये शरीयत की एक ऐसी हिदायत है जिसके अंदर जो है वो इलाज भी मौजूद है। तो इस तरह अगर औरत जो है वो टब में बैठी रहे, यानी इसकी तफसील यूँ है कि औरत टब में बैठी रहे और जब नमाज़ों का वक़्त करीब आए तो उस वक़्त फिर ये करे कि नमाज़ों के लिए जो है वो खड़ी हो जाए, और एक नमाज पढ़कर इमाम बुखारी की रवायत के रूह से दूसरी नमाज के लिए अलग वज़ू करे। और ये बात जो है कि अलग वज़ू करे ये हकीकत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत नहीं है, ये वो औरत ख़ुद करती थी ताकि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होकर जो है वो ये खून रुक जाए। तो इसलिए जो बात उस खातून की तरफ से अपना अमल था उसको जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत नहीं बनाया जा सकता। तो इमाम मुस्लिम ने इमाम बुखारी से ये इख्तलाफ किया है। अब सूरत हाल ये है कि मैंने आपको ये बताया है कि बुखारी और मुस्लिम का एक और बड़ा अहम मसला भी है, वो ये है कि इमाम बुखारी जब रिवायत करते हैं तो इमाम बुखारी जिन लोगों से रिवायत करते हैं उनके लिए ये लाजमी समझते हैं कि उनकी जिस शख्स से रिवायत की है उनकी मुलाकात भी साबित हो। इमाम मुस्लिम और दीगर मुहद्दिसीन इस पर इक्तफा करते हैं कि अगर मुलाकात ना हो, आदमी सिका है, जब आदमी सिका है तो किसी सहाबी से जब वो बयान करता है तो उस वक़्त जो है वो उसकी मुलाकात ना भी हो तो उसकी सकाहत की वजह से उसकी बात मान लेनी चाहिए। इमाम बुखारी कहते हैं नहीं, बाकायदा इसके लिए मुलाकात भी साबित होनी चाहिए। और बहुत सी रवायतों में इमाम बुखारी ख़ुद ये काम करेंगे कि जहाँ जो है वो
मुलाकात के बारे में शुबा होगा, इमाम बुखारी जो हैं वो रवायत भी लाएंगे जिसमें शुबा का जो है वो इजाला हो जाएगा। तो इस वक्त तो मैं आपके सामने जो है वो खुलासा बयान कर रहा हूँ, इसलिए इसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने आपको ये बताया है कि इमाम बुखारी का जो काम है वो ये है कि तर्जमतुल बाब में पहले ही तमाम वो अहम पहलू जो अहले इल्म के हाँ इख्तिलाफी होते हैं इमाम बुखारी उनको पेश कर देते हैं। और क्योंकि इस तरह इमाम बुखारी की जो तर्जमतुल बाब में रवायतें हैं वो अगर सीगा मारूफ से हों तो वो उमूमन जो हैं वो सही होती हैं, इमाम बुखारी की शर्त की बात नहीं है, वो सही होती हैं। जो दूसरी शर्त है मुहद्दिसीन की कि भई हाँ सिका सिका से रवायत करें, इसके मुताबिक वो सही होती हैं। और इसीलिए जो ऐसी रवायतें हैं वो उमूमन मौलक सूरत में पेश की जाती हैं। मौलक इसको बोलते हैं कि सनद का वो हिस्सा जो असल मुसन्निफ़ जो है वो अपनी किताब में पेश करना चाहता है, उसने उस का इब्तदाई हिस्सा जो है वो उड़ा दिया है। बसा अवकात जो है वो पूरी सनद जो है वो उड़ा देता है, सिर्फ जो है उसका हवाला देकर जो है उसका कौल नकल कर देता है। और इस पर फिर बाद में लोगों ने काम किया है, ख़ास तौर पर इब्न हजर ने जो है वो इस पर किताब लिखी है कि ये जो संदों की तकमील उन्होंने कर दी है, जो मुअल्लक थी उन्होंने उनको मुकम्मल कर दिया है। तो इस एतबार से ये समझिए कि बुखारी की जो एडिटिंग है या बुखारी की जो तसनीफ है उसके अंदर इस तरह की बारीकियां बहुत हैं। और बहुत दफ़ा जो है वो इमाम बुखारी सनद के अंदर ही जो है वो कई ऐसे इशारे कर जाते हैं जो बड़ी बड़ी गलतियों को दूर कर जाते हैं। मैं इस वक्त मिसाल नहीं देना चाहता, लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये जो है इमाम बुखारी का अंदाज़ है। लेकिन जो हदीस इमाम बुखारी जो है वो लाएंगे मुतरजम लहू की सूरत में, उसको इमाम बुखारी जो हैं वो असल में मदार ठहराते हैं कि अब ये सारे पहलू जो है वो उसके साथ वाबस्ता हैं। तो उसके अंदर जो है वो जो तर्जमतुल बाब में इमाम बुखारी ने जो है वो मुराद मुतय्यन की है, अब हदीस में वो कैसे जो है वो बात वाज़े होगी इसके बारे में जो है वो इमाम बुखारी का जो बारीक बीनी है उसके बारे में जो है वो फिर उलमा ने अलग मेहनतें की हैं कि इमाम बुखारी की जो तर्जमतुल बाब की सूरत है उसकी जो है वो शुरू की हैं। और वो शुरू जो हैं तर्जमतुल बाब की वो मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने इस पर काम किया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि तर्जमतुल बाब बुखारी का बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए जो लोग लोलो मरजान में ये समझते हैं कि हमने बुखारी भी पढ़ ली और मुस्लिम भी पढ़ ली, ये बात जो है वो सही नहीं है। हकीकत ये है कि इमाम बुखारी का जो अंदाज़ है वो ये है कि उन्होंने जो है वो बड़े बड़े अहम पहलू जो है वो उजागर करने होते हैं अपनी रवायत में, जैसे कि तर्जमतुल बाब में वो सारी चीज़ें लाते हैं। अब लोलो मरजान में तर्जमतुल बाब तो नकल नहीं किया जाता, तो इसलिए जो है वो लोलो मरजान में जो है इमाम बुखारी का बाब भी नहीं लिया जाता और इसी तरह तर्जमतुल बाब भी नहीं लिया जाता। तो तर्जमतुल बाब की जो चीज़ें हैं वो लोलो मरजान में नहीं होंगी। तो इस तरह से ये बताना मकसूद है कि लोलो मरजान पढ़ लेना जो है वो असल में सही बुखारी का और मुस्लिम का मुतारा नहीं है, इसलिए कि इमाम बुखारी ने तो बड़ी बारीक बीनी से जो है ये सारा काम किया है, वो सारे पहलू जो है वो वाज़े किए हैं, जिसके बारे में एक सूरत जो है वो इमाम मुस्लिम ने ये की है कि उन्होंने सिर्फ रिवायात जो एक मौजू पर थी वो इकट्ठी कर दी और वो रिवायत जो है उसके मुख्तलिफ अल्फाज का जो फ़र्क था वो हमारे सामने आ गया। लेकिन ये जो बारीकियाँ हैं सनद की बारीकियाँ हों या इसी तरह जो है वो उस हदीस की बारीकियाँ हों जो इमाम बुखारी ने बतौर मुतरजम लहू पेश की है, वो सारी बारीकियाँ जो हैं वो जो बुखारी पढ़ने वाला है उसको मलहूज रखना चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम वो बारीकियाँ जो बुखारी ने मलहूज रखी हैं वो आपके सामने वाज़े कर सकें। जैसे मैंने अब आपको जो है वो मिसाल दे दी है, तो इसलिए एक चीज़ थोड़ी सी और वाज़े करने की ज़रूरत है कि इमाम बुखारी ने तर्जमतुल बाब में एक रवायत जो है वो ख़ुद अपनी सनद से बयान भी की है, क्योंकि वो रवायत जो है वो एक पहलू है। और वो रवायत जो है मैं
आपके सामने जो है वो पेश कर देता हूँ। वो रिवायत ये है, हद्दसना यहया इब्न बुकैरिन हद्दसना लैसो, ये लैस जो हैं ये बहुत बड़े इमाम हैं, जिस तरह लोगों ने मुख्तलिफ फिका के नाम पर जो है वो ग्रोह बना लिए, लैस भी इस दर्जे के इमाम हैं कि इनका भी एक ग्रोह अपने आप को लैसी कहलाता रहा है, लेकिन बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता जिनके बारे में जो है वो लोगों ने ज़्यादा ग्रोह बंदी जो है वो पक्की कर ली, उनमें फिर ये लोग शामिल नहीं हैं, उनमें वही हैं जो आइम्मा अरबा है। अच्छा जी, अगर अलिफ लाम के बग़ैर हो तो फिर वो लैस बिन सुलेम है, वो उसके बारे में कुछ कलाम है, तो इसलिए यहाँ अल लैस से मुराद जो है ये लैस बिन साद हैं जो इमाम हैं। अन खालिद इबन यजीदा अन साद इबन अबी हिलाल अन हिलाल इबन उसामा अन्ना अब्बास सलमा बिन अब्दुर्रहमान अन्ना अब्बास सलमा तबना अब्दुर्रहमान अखबरहु अन अबी हुरैरा अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यदू फिस सला अल्लाहुम्मा अंजे अय्याश बना अबी रबिया व सलमा तबना हिशामिन वल वलीद अबनल वलीद अल्लाहुम्मा अंजिल मुस्तदाफीना मिनल मुमिनीन अल्लाहुम्मा अशदुद वताताका अला मुदर व बास अलैहिम सिनीना का सिनी यूसुफ। ये जो इमाम बुखारी ने रवायत की है, ये इमाम बुखारी जो हैं वो तर्जमतुल बाब में ले आए हैं। तर्जमतुल बाब में असल में इसलिए लाए हैं कि जहाँ एक और बात की तरफ इशारा है, वो इस बात की तरफ इशारा है कि मैं पहले तर्जमा कर दूँ। अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में, नमाज से मुराद नमाज इशा है, नमाज इशा के अंदर जो है वो दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अंजे अय्याश बिन अबी रबिया, ए अल्लाह अय्याश बिन अबी रबिया को निजात दे दे। ये उन लोगों में से हैं जो मक्का में रह गए थे और ये हिजरत नहीं कर सकते थे, इन पर जो है वो बहुत सख्तियाँ हो रही थी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उसकी निजात के लिए दुआ की है, अल्लाहुम्मा अंजे अय्याश बना अबी रबिया व सलमा तबना हिशामिन, और इसी तरह सलमा बिन हिशाम भी उन लोगों में से थे जो रह गए थे, वल वलीद अबनल वलीद, और वलीद जो है वो वलीद का बेटा है, इसके लिए भी जो है वो इमाम बुखारी दुआ करते थे, और चंद एक का नाम लेकर फिर इमाम बुखारी जो हैं वो कहते थे तमाम वो कमज़ोर मोमिनीन अल्लाह उनको निजात दे, अल्लाहुम्मा अंजिल मुस्तदाफीना मिनल मोमिनीन, और ये दुआ जब उनके हक में करते तो साथ जो उन पर जो है वो ज्याती करने वाले हैं उनके बारे में फिर ये दुआ करते, अल्लाहुम्मा अशदुद वत आता का अला मुदर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ऊपर का सिलसिला आपको पता है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज़रत इस्माईल से वाबस्ता हैं, यानी उनकी औलाद में से हैं, तो असल में बाद में जो इस ख़ानदान के अंदर, इस लड़ी के अंदर बड़े बड़े लोग हुए हैं उनमें से एक जो हैं वो मुज़र भी हैं, तो लेकिन ये है कि आपका ख़ानदान जो है उसमें से ख़ास तौर पर जो ऊपर का ख़ानदान है मुज़र बहुत ऊपर है, तो वो लोग जो थी वो काफिर रहे, और इसमें से कुछ लोग ईमान लाए, लेकिन जो काफिर रहे वो बहुत ज़्यादा सख्तियाँ करते थे उन लोगों पर जो वहाँ रहते थे, तो इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मुदर के ऊपर बद्दुआ की है कि अल्लाह उन पर तो अपनी लताड़ जो है वो सख्त कर दे, यानी अल्लाह की तरफ से जो लताड़ होती है, लताड़ आप समझते हैं कि अल्लाह की तरफ से जो दबाव है उन पर वो सख्त कर दे, यानी जब किसी इंसान को ख़ुद जो है वो अपने दबाव की मुसीबत बन जाती है तो फिर वो दूसरों को भूल जाता है। अच्छा, व बास अलैहिम सिनीना का सिनी यूसुफ, और उन पर इस तरह के कहत भेज जो
यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माना में कैद भेजे थे। आपको पता है यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माना में जो है वो 7 साल तक जो है वो कैद पड़ा था, और कितना बड़ा कैद था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल देकर कहा कि उन जैसे कैद जो है वो इन पर भेज दे, और साथ ही जो है वो उनके ऊपर सख्ती की दुआ करते। तो ये रवायत जो है इसका असल में मकसद क्या है, तजमतुल बाब में क्यों लाए हैं? असल में यहाँ इकरा मकसूद नहीं है, इसके अंदर इकरा की कोई सूरत नहीं है, बल्कि यहाँ सूरत हाल ये है कि जो लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो अपनी बात खुद पेश ना कर सकते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनके लिए दुआ किया करते थे। और दुआ इसलिए बनती है कि वो लोग मजबूर थे, तो इसके अंदर जो है वो ये इस किस्म की मजबूरी का जिक्र है। लेकिन असल चीज़ यहाँ मकसूद है वो दुआ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के लिए की है, और जो बददुआ इन पर जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़ की है वो भी, दोनों चीज़ें जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। तो यहाँ असल एक पहलू से वो उनका जबर भी जो है वो सामने आ जाता है, और दूसरे पहलू से जो है वो इनके ईमान की बात भी मिल जाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ईमान की बुनियाद पर जो है वो इनके लिए दुआ की है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अभी तहरी आ रही है कि आप जो हैं वो ख़ास तौर पर जो मुसीबतदा लोग होते इस्लाम की वजह से उनके बारे में क्या काम किया करते थे। तो यहाँ जो है वो चूँकि बराह रास्त इकरा का मसला दरपेश नहीं है, इसलिए इमाम बुखारी ने इसको तजमतुल बाब में बयान कर दिया है, और इसमें यह इशारा है कि जो लोग इस मुसीबत का शिकार हों वो अल्लाह से दुआ किया करें। चलिए जी, तर्जमतुल बाब तो अब मुकम्मल हुआ, तो उसके बाद जो है वह अब इमाम बुखारी ने किताबुल इकरा का जो पहला बाब है वो ये बंदा है, यानी वो तमाम पहलू जो हैं इस के अंदर जो है वो इमाम बुखारी इशारा कर रहे हैं कि जो जो चीज़ें जो हैं वो ऊपर जिक्र हुई हैं इस हदीस से कैसे कैसे वो हदीस चीज़ें निकल सकती हैं। चलिए, बाब ये बनता है, बाब मन इख्तार अज़्ज़रबा वल क़त्ला वल हवाना अलल कुफ्र। वो लोग मन जो है ये मुफरद के लिए भी आता है और जमा के लिए भी आता है। तो मन इख्तार अज़्ज़रबा, जिसने तरजीह दी मार को और कत्ल को तरजीह दी, मतलब कत्ल होना पसंद किया लेकिन उसने जो है वो इस्लाम के बारे में अलालान जो है वो इज़हार किया, वल हवान और ज़िल्लत को जो है वो तरजीह दी, किस बात पर कि कुफर का कलमा नहीं कहना। तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए दूसरे लोगों को जो है वो दुआ करनी चाहिए। तो इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले दुआ जो है वो तजमतुल बाब में ही उसका ज़िक्र कर दिया है। चलिए अब इसकी जो हदीस है वो पढ़ते हैं। हद्दसना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न हौश बिन अत्ताइफी। हाँ, मेरी ज़रा इसमें चलिए, जी, हद्दसना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न हौशब नित्ताइफियो, हद्दसना अब्दुल वहाब, हद्दसना अय्यूब, अन अबी क़िलाबता, अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासुम मन कुन्ना फीहे वजदा हिलावतल ईमान, अन यकूनल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, व अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, व अन यकरहा अन यऊद फिल कुफ्र कमा यकरहो अन युक्ज़फ़ा फिन नार। अब इसका तर्जमा देखिए, इसके अंदर जो है वो
एक कैफियत जो है वो ऐसी पेश कर दी है कि वाकई उस कैफियत में सारे कुछ आ जाता है। अब इसका तर्जमा जो है वो अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल का ये इरशाद है कि तीन शख्स वो कुन्ना फीहे वजदा हलावत अल ईमान, तीन वो बातें जो मैं आगे जिक्र कर रहा हूँ वो बातें जिन लोगों में पाई जाती हैं उन्होंने ईमान की मिठास पा ली। वो तीन बातें क्या हैं? अन यकून अल्लाह व रसूलहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं तमाम चीज़ों से बढ़कर जो है वो उन्हें प्यारे हों। मुझे गला खुश्क होने की तकलीफ़ है इसलिए मैं ये अपने पास रखता हूँ। इसमें एक वस्फ जो है वो ये है अन यकून अल्लाह व रसूलहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि अल्लाह और उसके रसूल जो है वो हर चीज़ जो इसके अलावा है, हत्ता कि इसमें औलाद, माँ बाप, इसी तरह बरादरी, इसी तरह जो है वो माल और दौलत, इसी तरह उद्दे, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उनके नज़दीक जो है वो कम तर हैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत के मुकाबले में। कितनी बड़ी कैफियत पेश कर दी है। उसके बाद वो अन युहिब्बुल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, कोई आदमी जो है वो अगर किसी से प्यार करे, वहाँ तो एक कैफियत का बयान था, यहाँ अब अफराद का बयान है कि वो शख्स जो किसी से मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत की वजह सिर्फ लिल्लाहियत होती है, यानी वो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है कि ये आदमी जो है वो नेक है और वो इससे मोहब्बत करता है उसकी नेकी की वजह से। वो अंजक रहा, इसी तरह अगर कोई शख्स जो है वो अल्लाह की मोहब्बत में किसी से मिलने के लिए जाए तो वो उन सात शख्सों में शामिल है जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन जो है वो अपने अरश के नीचे जगह देंगे, और वो इस गरज से जाए जिसका यहाँ जिक्र हुआ है कि उसकी मोहब्बत जो है, किसी से मुलाकात जो है, ये मामूली चीज़ नहीं होती। किसी से मुलाकात इस वजह से कि वो अहले इल्म है, अहले इल्म में से है, इसी तरह उसकी मुलाकात इस वजह से कि उसकी ख़ास जो आदत है वो जो है वो मैं देखना चाहता हूँ। तो इस तरह से जो है वो किसी आदमी से मोहब्बत करना ताकि उसके मुताबिक इंसान ख़ुद बन सके। आपको शायद इल्म होगा कि एक दफ़ा एक शख्स की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ की, और तारीफ़ ऐसे की कि ये शख्स जो है ये जन्नती है। अब अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, उन्होंने जब ये तारीफ़ सुनी तो कहने लगे क्या वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स की इतनी तारीफ़ की है, और जिसकी तारीफ़ की जा रही थी उसका नाम साद बिन अबी वक्कास था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अशरफ बशरा में से हैं। तो और जिनको इस बात का शौक़ हुआ कि मैं जाकर जो है वो इनकी हालत देखूँ, वो अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस थे। अमर बिन आस तो आपको पता है ना, ज़्यादा सियासतदान थे, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नेक लोगों में से थे, लेकिन यह है कि उनका बेटा तो बहुत ही नेक लोगों में से, उसने तो सियासत भी छोड़ी हुई थी, बल्कि वो सारे के सारे काम जो है वो ये करता था कि हदीसों को जो है वो अबू हुरैरा सबसे ज़्यादा रवायत करने वाले हैं, इसलिए कि उन्होंने सारे काम छोड़कर अल्लाह के रसूल के का साथ इसीलिए पसंद किया था ताकि अल्लाह के रसूल की हर बात जो है वो इन्हें मालूम हो जाए। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस के बारे में वो कहते हैं कि वो मुझसे बढ़ गया है, इसलिए कि वो लिखता है, मैं लिखता नहीं हूँ, मैं सिर्फ याद करता हूँ। तो कहने का मकसद ये अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस वो हैं। तो ये अबादरा अरबा में शुमार होते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर भी, इस तरह अब्दुल्ला बिन अमर भी, और इसी तरह जो हैं वो अब्दुल्ला बिन अब्बास भी। तो
हाँ जी, चौथा याद है आपको? हाँ नहीं, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर इनको, हाँ अब्दुल्ला बिन मसूद भी हैं। ये अबादला अरबा में शुमार होते हैं, इसलिए जब कभी इनका ज़िक्र होता है ना तो इनका अपना नाम लेने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इनके बाप के साथ जो है वो इनकी जो है वो तारुफ हो जाता है। चलिए जी, ये आपने जो दो वस्फ हैं वो तो आपने पढ़ लिए, मैं बयान कर रहा साद बिन वक्कास की, कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस जो हैं वो, उन्होंने, आपको ये बता दूं कि अब्दुल्ला बिन आस का और अमर बिन आस का फ़र्क सिर्फ 13 साल का था, यानी उनकी शादी जल्दी हो गई और 13 साल की उम्र में अब्दुल्ला बिन अमर पैदा हो गए थे, यानी बाप का और बेटे का फ़र्क सिर्फ 13 साल का था। तो अब जो है वो 13 साल की उम्र में जो है वो जो बेटा पैदा हुआ वो भी इसी तरह जवान हो गया, बाप के साथ थोड़ा सा फ़र्क है, जैसे बहन भाइयों का फ़र्क होता है, ये 13 साल 15 साल तो बहन भाइयों का फ़र्क होता है, वो भी जवान था। इसलिए बाज़ मामलात में अमर बिन आस जो थे वो बड़े सियासतदान, बहुत अक्लमंद लोगों में शामिल होते थे, इसलिए जब वो बात करते ना तो अब्दुल्ला बिन अब्बास को ये ख्याल आता कि भाई से सिर्फ 13 साल बड़े हैं, तो अब्दुल्ला बिन अमर को। अच्छा, अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि इस तरह से उनकी बाज़ दफ़ा आपस में कोई ऐसी बात हो जाती कि अमर बिन आस नाराज़ हो जाते, तो उन्होंने जो है वो हकीकी बात थी या ये है कि उन्होंने एक बहाना बनाया, तो उन्होंने जो है वो साद बिन वक़ास से कहा कि मेरे वालिद मुझसे नाराज़ हैं, तो क्या आप मुझे अपने पास 3 दिन ही ठहरा सकते? साद बिन वक़ास ने कहा कोई बात नहीं, आप माशाल्लाह हमारे अजीज़ हैं, आइए आप मेरे पास ठहरिए। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि साद बिन वक़ास के पास वो 3 रात रहे। अब उनकी तो बिल्कुल प्यास और थी, जो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना था कि उन्होंने फरमाया था कि ये एक शख्स आ रहा है जो जन्नती है, तो उन्होंने फिर जो है वो उनके पास जब ठहरे तो रात को ख़ास तौर पर रात का जो आखिरी हिस्सा है वो उस पर मुतवज्जे होते और कोशिश करते कि किसी तरह रात का जो आखिरी हिस्सा है वो देखें वो क्या करते हैं। उन्होंने देखा कि साद बिन वक़ास कोई ख़ास अमल नहीं करते, तहज्जुद भी नहीं पढ़ते, और ये है कि सिर्फ सुबह की नमाज से पहले जो है वो वितर पढ़ लेते हैं, बल्कि बाद साहब वितर भी नहीं पढ़ते, वितर भी उन्होंने पहले पढ़े होते हैं। तो इस तरह से जो है वो साद बिन वक़ास का कोई ख़ास अमल नहीं था। अच्छा, 3 दिन वो तलाश करते रहे, 3 दिन कोई ख़ास बात तो मिली नहीं। जब ख़ास बात नहीं मिली तो उनसे कहते हैं कि असल बात यह है कि मैं आपके पास जो मैंने ठहरने की बात की थी उसकी असल वजह ये थी कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह से आपकी तारीफ़ सुनी थी, तो मैंने ये देखना चाहा कि आप अमल क्या करते हैं, तो मुझे तो समझ नहीं आई कि आप क्या अमल करते हैं जिनकी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी इतनी तारीफ़ की है। तो वो कहने लगे कि असल बात जो है, अगर मेरे बारे में जो है वो तूने कोई बात जो है वो तू चाहता है तो एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं किसी के लिए अपने दिल में कीना नहीं रखता, मेरा दिल जो है वो हर एक के बारे में जो है वो कीने से पाक है, शायद ये वजह हो। तो ये वजह जो है कीना से पाक रहना इंसान का जो है और नेकी के लिए मोहब्बत करना, ये साद बिन वक़ास की बात है, तो आपके सामने जो है वो। अच्छा, अब दो चीज़ें तो बयान हो गई कि किसी से मोहब्बत करना सिर्फ अल्लाह की खातिर। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसलिए कि मेरे साथ जो है वो एक शायर थे, उनकी माशाल्लाह शेरी मजमूए भी छपे हुए हैं, उनका नाम था अब्दुर्रहमान आजिज। मैं मुहद्दिस के अंदर आम तौर पर जो है उनके कसीदे जो हैं वो मैं जहाँ कोई जगह होती मैं वहाँ दे देता। उनको ये शर्फ हासिल था कि जब मेरे वालिद जो हैं वो हज के लिए गए हैं तो मेरे वालिद जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा करने का रुझान रखते थे,
तो हज के लिए जो है वो जब वो गए तो वो किसी से बात नहीं करते थे, 4 महीने वहाँ ठहरे और खाना नहीं खाते थे, क्योंकि खाना खाने के लिए दूर जाना पड़ता था। तो वालिद साहब जो हैं वो तरजीह देते थे इस बात को कि वो भूखे रह लें। अच्छा, वो बीमार पहले ही थे, तो जब हज से वापस आए तो बहुत ही नहीं, यानी हमने जब देखा तो बड़े ही कमज़ोर। अच्छा, लेकिन वो करते क्या थे कि ये अब्दुर्रहमान आजिज़ साहब जो है उनकी दुकान पर बैठे रहते और उनकी दुकान पर बैठकर जो है वो अपना मुताला करते रहते या कोई और बात होती तो इनसे बेतकल्फ़ी थी। तो अब्दुर्रहमान आजिज़ साहब की बड़ी आदत थी कि जब लाहौर आते तो मेरे पास आ जाते और रात को मेरे पास ठहरते, और हत्ता कि अगर कोई ऐसी बात हो, आपको मैं ये बताऊं कि नई नई शादी हुई हो तो बड़ी कुताहियाँ हो जाती हैं। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं कोई लेट हो गया तो कहा कि देखिए आपके वालिद साहब जो है वो इन चीज़ों का बड़ा अहतमाम करते थे। अच्छा, मुझे बार बार कहते कि मेरा जनाजा आपने पढ़ाना है, यानी वालिद साहब से इतनी मोहब्बत थी कि मुझे कहते कि मैं अगर फौत हो जाऊँ तो मेरा जनाजा आपने पढ़ाना है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह से नेक आदमियों से मोहब्बत करना, वो मुझे सिर्फ इसलिए मोहब्बत करते थे कि वालिद साहब जो हैं उनका मैं बेटा हूँ और मैं इल्म का ज़ौक़ रखता हूँ। तो बल्कि उनकी एक ख्वाहिश थी, बारसुत अल्लाह जो है वो फ़ैसला करने वाला, उनकी एक ख्वाहिश थी कि उनके ख़ानदान की कोई लड़की जो है वो हमारे ख़ानदान में ब्याही जाए। बारसुत ये नेकी का जज्बा जो होता है, जैसे कि अबू बकर सिद्दीक की जो बेटी है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसीलिए दी गई कि वो चाहते थे कि मेरी बेटी जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बन जाए। तो ये चीज़ें भी जो है वो मोहब्बत की वजह से होती हैं। बल्कि कहते हैं कि मोहब्बत की इंतहा ये होती है कि इंसान वहाँ रिश्तेदारी कर लेता है। चलिए जी, अब आप आगे चलिए। आगे ये है कि अन यकरह अन यऊद फिल कुफ्र कमा यकरह अन युक्ज़फ फिन नार। कुफर की तरफ जाना वो इतना नापसंद करता है, यानी यहाँ आप यूँ समझे कि ये इकरार भी अगर हो तो वो कुफर को कबूल नहीं करता, यानी अन यकरह अन यऊद फिल कुफ्र कमा यकरह अन युक्ज़फ फिन नार। इतना उसे नापसंद है जिस तरह के आग में छलांग लगा देना या उसे कोई आग में फेंक दे। जब कुफर की तरफ दावत हो तो उसको इतना नापसंद है जैसे कोई किसी को आग में फेंक रहा है। अब जाहिर है कि इंसान आग में तो नहीं जाता, और वैसे आग में खुद छलांग लगानी भी जायज़ नहीं है। और आपको इल्म है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सिपा सलार ने जब हुक्म दिया और लोगों को देखा कि ये इताअत में ज़्यादा एहतमाम नहीं करते मेरी इताअत का, तो उन्होंने उनको इताअत में पक्का करने के लिए जो है वो आग जलाई, और आग जलाने के बाद जो है वो उन्हें कहा कि तुम आग में छलांगे लगाओ। अब जो उनके साथी थे, सहाबी थे तकरीबन, तो उन्होंने कहा कि हम तो आग से बचने के लिए तो हमने इस्लाम कबूल किया है, और यहाँ हमें जो है कहा जा रहा है आग में छलांगे लगाओ। तो उन्होंने कहा कि ये मना है, ये तो खुदकुशी होगी, ये मना है, इस काम का आपको इख्तियार नहीं है। तो नाराज़ हो गए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो शिकायत की। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये लोग तेरी बात मानकर जो है छलांगे लगा देते तो ये जहन्नम में जाते। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी बात में इताअत नहीं है जो अल्लाह की नाफरमानी हो, ये भी अल्लाह की नाफरमानी है खुदकुशी करना। हाँ, खुदकुशी तो बारसात ऐसे जायज नहीं है, लेकिन मैंने आपको जो है वो ये बताया है कि ये जो बात है ना जिसमें हो कि कुफर उसको इतना नापसंद हो जैसे कि वो आग में छलांग लगा रहा है। तो मैं इसलिए आपको बात बता देता हूँ ताकि आपको इल्म हो कि अहले इल्म कितना अहतमाम करते हैं। हमारे वालिद साहब जो थे वो काम करते थे कपड़े का, और अल्लाह का शुक्र है बहुत जो है वो उसमें नफ़ा भी होता था। तो लेकिन कभी जो है वो ऐसी सख्तियाँ भी आ जाती, इसलिए कि ऐसी चीज़ें जो हैं जब पाकिस्तान बना है तो उसके अंदर बड़ी सख्ती थी कि लोगों को जो है वो सूत भी कोटे में देना है। कोटा मुकर्रर होता था कि इतना कोटा इसके लिए है, इतना कोटा, और वो कोटा जो है वो बहुत कम होता था जितना के इस्तेमाल की ज़रूरत है। तो उनकी मालूमात लेने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए जो है वो इंस्पेक्टर आते थे। तो जब कोई इंस्पेक्टर आता तो वाली साहब उन्हें बिठाते इज़्ज़त वाली जगह पर,
लेकिन जब वो देखता ना कि ये मेरी इज्जत कर रहे हैं तो कहता जी हमें कह देता, कहता जी माचिस ले आओ, हमें कह देता माचिस ले आओ। तो वालिद साहब जो हैं वो पास ही होते, किसी बहाने से अगर ना हमें कह सकता तो किसी बहाने से उठकर आ जाते। तो कहते माचिस नहीं देनी। उसका नतीजा यही होता था कि वो लोग रिपोर्टें खिलाफ करते थे फिर, लेकिन वालिद साहब इसकी परवाह नहीं करते थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस बिना पर जो है वो कहा यह जाता है कि उलमा में उनका ख़ास इम्तियाज़ जो है वो तकवे का था। पार्थ अल्लाह ताला हमें वो तकवा इख्तियार करने की तौफीक दे। चलिए जी, आपने ये तीनों चीज़ें पढ़नी हैं और एक हदीस जो है वो और पढ़ें। हद्दसना सईद इब्न सुलेमाना हद्दसना अन इस्माईल समेत कैसन समेत सईद इब्न ज़ैदिन यकूल लक़द रअयतुनी व इन्ना उमर मूसिकी अलल इस्लाम वला बिन क़ज़ा उहदुन मिम्मा फ़अलतुम बि उस्माना काना महकूकन अन यनक़ज़। ये जो सहाबी है सईद बिन ज़ैद, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चचेरे भाई थे और हज़रत उमर की बहन थी फातिमा, उसकी शादी जो है वो इनसे हुई थी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 10 लोगों का एक दफ़ा ज़िक्र किया था और उसमें जो है वो सईद बिन ज़ैद भी उन्हीं 10 लोगों में से है। और ये भी आपको बताऊं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने खिलाफत के लिए किसी का नाम मुकर्रर करने के बजाय ये कहा था कि आप 6 आदमियों में से कोई खलीफा चुन लें। उस वक़्त ये 6 आदमी जो है वो अशरफ़ बशरा में से थे। एक आदमी जो अशरफ़ बशरा में से था वो सईद बिन ज़ैद भी था, लेकिन उनके बारे में जो है वो नसीहत नहीं की, उनको छोड़ दिया, कहा कि ये मेरे बहनोई हैं। इसलिए अगर कोई खिलाफत के अंदर कोई खूबी थी वो मैंने बड़ा फ़ायदा उठा लिया है। अब मैं नहीं पसंद करता कि मेरे रिश्तेदारों में या मेरे बेटे को जो है ये खिलाफत मिले। हत्ता कि आपको ये बताऊं कि अब्दुल्ला बिन उमर की क्या हैसियत है। ये जो बड़ा लंबा वाकया है ना जिससे जो है वो अमीर मुआविया का और हज़रत अली का आपस में इख्तलाफ मिलता है, तो इसके अंदर जो है वो जो अमर बिन आस को अमीर मुआविया ने मुकर्रर किया था और दूसरी तरफ जो है अबू मूसा अशरी को हज़रत अली ने मुकर्रर किया था, तो इनकी आपस में जो बात तय पाई थी वो ये पाई थी कि अगर अब्दुल्ला बिन उमर से बात की जाए, अगर वो खिलाफत कबूल कर ले तो फिर तमाम के तमाम जो है वो मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे। अब देखिए उनकी अपनी अपनी सोच थी, वो कहने लगे मैं नहीं खिलाफत नहीं लेने की, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब लोगों ने कहा ना कि आप इनको भी शामिल कर दें तो हज़रत उमर ने शामिल नहीं किया था। सिर्फ अशरा मुबशरा में से जो 7 आदमी थे उनमें से 6 को मुकर्रर कर दिया और सईद बिन ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल, इनका पूरा ख़ानदानी नाम है सईद बिन ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल, तो ये जो है ये आदमी भी अशरा मुबशरा में से थे। तो मैंने बताया ये है कि ये वो किस्सा बयान करते हैं जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए हैं। हुआ ये कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से अपनी तलवार लेकर जो है वो जा रहे थे कि किसी ने कहा ए उमर तुम नबी को कत्ल करने के लिए जा रहे हो और तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर में जो है वो इस्लाम दाखिल हो चुका है। कहने के कौन? उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। अब इत्तेफाक ऐसा है कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये इत्तला मिली, कहने तो पहले तो मैं उनका जो है वो इलाज कर लूँ फिर मैं जाता हूँ। उनके इलाज के लिए जो है वो बहन के घर आए और वो भी इत्तेफाक से जो है वो कुरान मजीद पढ़ रहे थे, तो उन्होंने जब हज़रत उमर की हाट सुनी तो कुरान मजीद ऊपर रख दिया। जब कुरान मजीद छुपा दिया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहे बताओ क्या पढ़ रहे थे, मैंने तो तुम्हारी कोई बात सुनी है। तो फातिमा कहती है ए उमर अगर तू ये चाहता है ना कि तू भी देखे तो सबसे पहले तुझे वज़ू करना पड़ेगा और तू नहाएगा तो फिर तुम्हें हम देंगे ये कुरान। वो कुरान मजीद है जो अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है। उन्होंने बजाय इसके कुरान मांगे उन्होंने मारना शुरू कर दिया, बहन को भी बहुत मारा, बनुई को भी बहुत मारा। और ये बेचारे जो है ना बनुई को मारने के लिए उन्होंने उनकी मुश्कें जो हैं वो कस दी, यानी कोई चीज़ें बांध दी, कपड़ा हो या कोई रस्सी वगैरह हो। तो
लकद राई तो नहीं, मैंने अपने आप को देखा। ये जो अफ़ार क़ुलूब है ना, इसमें खुद जो है वो इंसान मफूल बन सकता है। तो लकद राई तो नहीं, मैंने अपने आप को देखा। अगर किसी और को मफूल बनाएंगे तो इया का या इया होता है। लकद राई तो नहीं, मैंने अपने आप को देखा। व इन्ना उमरा मूसिकी अलैहि सलाम, और इस हालत में देखा कि उमर ने इस्लाम लाने की बिना पर मुझे मेरी मुश्कें बांधी हुई थी, यानी मुझे उन्होंने बांधा हुआ था। मैंने अपने आप को इस हालत में देखा, और अपना वाक़या पुराना बयान कर रहे हैं। और कहते हैं कि वला मिन क़ज़ा उहुदुन मिम्मा फ़अलतुम उस्मान। कहते फिर बड़ा ही दुख करने लगे, कहने लगे जो कुछ तुमने उस्मान के साथ किया है, तो उस्मान को शहीद कर दिया था ना लोगों ने, जो कुछ तुमने उस्मान के साथ किया है, अगर ओहद पहाड़ जो है वो टूट फूट जाए, इन कज़ा का मना टूट फूट जाना, अगर ओहद पहाड़ टूट फूट जाए तो उससे ये बहुत हल्की बात है कि तुम उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल कर दो। काना महकूकन अन कज़ा, ये बहुत मुमकिन था कि ओहद पहाड़ जो है, नहीं ये फालतुम तो हज़रत उस्मान के साथ लगता है ना, ये ओहद पहाड़ के साथ लगता है। महकूकन अन कज़ा, यानी ये बहुत बेहतर था कि ओहद पहाड़ जो है वो टूट फूट जाए। यानी महकूक जो है ये हक़ से है, यानी हक तो ये था कि ओहद पहाड़ टूट फूट जाता, जो तुमने काम इतना गंदा किया है कि उस्मान को कत्ल कर दिया है। और आपको पता है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मज़लूम कत्ल किया गया था, जिस वक़्त जो है वो उन्हें कत्ल किया गया है, तो उस वक़्त जो है वो बेचारी जो उनकी बीवी ने कोशिश की थी तो उसकी उंगलियाँ काट दी गईं। और इसी तरह जो है वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ रहे थे जिस हालत में उन्हें शहीद किया गया है। तो बाहर सूरत यहाँ जो है वो इस बात को बताया है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत कबूल कर ली, लेकिन अपने बारे में जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नसीहत थी उसका ख्याल रखा। आपने फरमाया था कि तेरे ख़िलाफ़ जो है वो कुछ लोग उठेंगे और ये चाहेंगे कि तू खिलाफत छोड़ दे। तूने खिलाफत नहीं छोड़नी, तूने जो है वो जो मर्ज़ी तेरे साथ हो जाए तूने खिलाफत नहीं छोड़नी। और उसके बारे में जो है वो आपका एक ख्वाब था कि उन्होंने ख्वाब देखा था कि उन्हें एक कमीज़ जो है वो पहनाई गई है, और फिर बाद में उनकी कमीज़ जो है वो उतारी जा रही है। तो असल में ये कमीज़ का उतारना जो है इसकी ताबीर ये थी कि उन्हें अल्लाह ताला जो है वो खिलाफत सौंपेंगे, और उसके बाद जो है वो उनकी खिलाफत जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो सलब कर ली जाएगी, जैसे कमीज़ उतार ली गई। तो इसलिए इस इबारत का मतलब ये है वला बिन क़ज़ा ओहदुन, अगर ओहद पहाड़ जो है वो टूट फूट जाए, अब उसका मुकाबला किस चीज़ से है, उस चीज़ के साथ जो तुमने उस्मान के साथ किया है। काना महकूकन, ये हक था कि ओहद पहाड़ जो है वो टूट फूट जाता, मगर अल्लाह ने तुम्हें महफूज रखा है। यहाँ ये बताया कि हज़रत उस्मान ने इकरा की सूरत के बावजूद जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो है उस पर अमल किया, शहीद हो गए, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान था उसको नहीं छोड़ा। बार सूरत अल्लाह ताला हमें जो है वो तौफीक दे कि हम भी जो है वो ईमान के पक्के हों। और मैंने एक बात अपने वालिद साहब से सुनी है, उसको सुनाकर मैं आप से जो है वो इजाज़त चाहता हूँ। मैं वालिद साहब की अंदुआ निकी देखकर औलाद पर भी असर होता है। मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा कि सही मुसलमान कौन होता है जिसके अंदर ईमान भी हो। कहने लगे दो चीज़ें हैं मेरे इल्म की हद तक, एक तो यह है कि इंसान की कोई ऐसी प्यारी चीज़ हो उसकी कुर्बानी देनी पड़े और उसके सामने जो है वो दूसरी तरफ इस्लाम हो। तो कहते हैं कि अगर प्यारी चीज़ों के ऊपर जो है वो आपकी आजमाइश हो जाए और उस वक़्त आप आजमाइश में पूरे उतरें तो फिर ये है आपके ईमान की तस्दीक। तो ये वही बात है, हज़रत उस्मान ने जो है वो
कत्ल होना पसंद किया, खिलाफत जो है वो छीन ली गई, लेकिन हज़रत उस्मान ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख्वाब की तबीर की थी उसके मुताबिक किया। तो ये वाली साहब ने कहा एक बात तो ये है कि इससे अल्लाह का प्यार मिलता है, यानी इंसान अपनी और अल्लाह का ये बहुत बड़ा फजल होता है कि इंसान को एक तरफ अपनी प्यारी चीज़ मिल रही है और दूसरी तरफ जो है वो इंसान अल्लाह की तरफ जा रहा हो। दूसरी बात वाली साहब ने जो बताई वो ये थी कि वो एक बुखारी की हदीस है जिसमें यह है कि एक इंसान जब नफल पढ़ता रहता है ना और ऐसे अंदाज से नफल पढ़ता है कि वो जो है वो ऐसा मालूम होता है जैसे कि अब ये अल्लाह की रज़ा में वो रंगा गया है, उसके हाथ पाँव आँखें कान वो तमाम के तमाम जो हैं वो उन चीज़ों को पसंद करते हैं जो शरीयत की के अहकाम हों। तो ये शख्स जो है वो ऐसा है कि जब अल्लाह से कोई दुआ करता है तो इसकी दुआ अल्लाह वापस नहीं करते। तो वाली साहब ने कहा कि दूसरी चीज़ ये है कि नवाफिर का बहुत अहतमाम करना चाहिए, इसलिए कि जो लोग नवाफिल पढ़ते हैं और ख़ास तौर पर जो रात का नफल है, इमाम बुखारी का जो अंदाज़ है वो ये है कि वो सुन्नत मौक़दा है। सुन्नत मौक़दा का माना ये है कि अगर आपके पास हिम्मत हो तो इसको ना छोड़े। तो इसलिए वालिद साहब ने दो चीज़ों की नसीहत की थी, एक तो ये है कि आजमाइश में पूरे उतरो और दूसरी बात जो है वो ये है कि साफ सी बात है कि अल्लाह ने मेरी आजमाइश तो बहुत कम की है लेकिन मैं इस वक्त उस चीज़ को नहीं छेड़ना चाहता। पार्थ दीन को जो है वो तरजीह दी जाए, ख़ास तौर पर रिश्तेदारी के अंदर जब कोई बात आती है ना तो इंसान उस वक्त सोचता है कि मैं दीन को लूँ कि दुनिया को देखूँ, तो उस वक्त जो है वो इंसान दीन को देखे, ये बात बड़ी अहमियत रखती है। बारसत अल्लाह हमें भी तौफीक दे सबको कि हमें ऐसी कोई आजमाइश अगर आए तो हम उस वक्त दीन को तरजीह दे सकें ताकि अल्लाह का प्यार मिल जाए। वाखर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह हू अकबर।